आज हम कल की डिस्कशन को ही कंटिन्यू करते हुए एक सॉल्व एग्जांपल देखेंगे। पीएसएचए प्रोसेस की एक एग्जांपल जो सिंप्लीफाइड पीएसएचए जिसको नाम दिया है, इसलिए कि जाहिर है कि कंप्लीट प्रोसेस किसी एक स्टडी एरिया के लिए वो बहुत लेंथी हो जाएगा, बिकॉज हमने उसमें पास्ट अर्थक्वेक का डेटा लेना है, सबसे पहले साइजमिक सोर्सेज आइडेंटिफाई करनी है, फिर डेटा कलेक्ट करना है, कैटलॉग बनाना है, फिर उस डेटा की बेस पे मैग्नीट्यूड रिकरेंस रिलेशनशिप बनाना है, और फिर उसके बाद हमने एंड पे ग्राउंड मोशन प्रिडिक्शन इक्वेशंस भी सेलेक्ट करनी है, और उन ग्राउंड मोशन प्रिडिक्शन इक्वेशंस को कंबाइन करना है हमने मैग्नीट्यूड रिकरेंस के साथ टू फाइनली कंस्ट्रक्ट द हैजर्ड कर्व ऑफ योर साइट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस तो काफ़ी लेंथी है किसी भी एक रियल स्टडी एरिया के लिए, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि एक सिंप्लीफाइड वर्जन के हम अगर हमें किसी साइज़मिक सोर्स का मैग्नीट्यूड रिकरेंस अवेलेबल कर दिया जाए और ग्राउंड मोशन प्रिडिक्शन इक्वेशन अवेलेबल कर दी जाए, तो हमने कैसे ये डेटा इसको इस्तेमाल करके हैज़र्ड कर्व बनानी है। सो एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जाम्पल एक साइजमिक सोर्स है जो लेट से एरिया सोर्स भी हो सकती है और फॉल्ट सोर्स भी हो सकती है, और वो हमारी साइट से लेट से ये हमारी साइट है और इससे RAP डिस्टेंस पे लोकेट करती है, और हम इस सिर्फ एक साइजमिक सोर्स ही को कंसिडर करते हुए अपनी साइट के ऊपर आने वाला साइजमिक हैजर्ड मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, और इस साइज़मिक सोर्स का मैग्नीट्यूड रिकरेंस लेट से अवेलेबल है और इस पूरे रीजन के लिए जो अवेलेबल ग्राउंड मोशन प्रिडिक्शन इक्वेशन है लेट से वो भी अवेलेबल है। साइज़मिक सोर्स का नाम है लेट से सोर्स ए। सो इसमें लेट से के ये RAP जो है ये 30 किलोमीटर हमें गिवन है। सो मैग्नीट्यूड रिकरेंस रिलेशनशिप फॉर साइजमिक सोर्स ए, लेट से सिंप्लिसिटी के लिए हम डायरेक्टली ये जो मीन वाली लाइन है सॉलिड ब्लैक लाइन, ये वाली ये लाइन हम यूज कर सकते हैं। लेट से ये हमें गिवन है जो कि कम्युलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड को रिलेट कर रही है। इसी तरह लेट से ज्यूम के हमें ग्राउंड मोशन प्रिडिक्शन इक्वेशन भी अवेलेबल है। लेट से ये कैम्बल की इक्वेशन जो है ये हम सॉलिड ब्लैक लाइन जो है ये हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एज्यूम करते हैं कि ये GMPE जो है ये हमारे साइज़मोटेक्टोनिक एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है। ये PGA को डिस्टेंस के साथ रिलेट कर रही है। डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है साइजमिक सोर्स का, वो है 30 किलोमीटर। सो 10, 20 और 30, सो ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ये 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है। इसका मतलब है हम डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के लिए इस सोर्स पर आने वाले डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के अर्थक्वेक्स के लिए अपनी साइट पर PGA की वैल्यू इन सॉलिड ब्लैक लाइंस को इस्तेमाल करके फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट इस तरह करेंगे कि एक स्टार्टिंग PGA एज्यूम करेंगे, ठीक है। लेट से एक वैल्यू हमने ले ली 0.1G और ये बाद में हम वेरी करेंगे, यानी ये रिपीटेड प्रोसेस बार बार करेंगे। सो पहला स्टेप ये है कि स्टार्ट में आप एक PGA वैल्यू एज्यूम कर लें, ठीक है। सो आपकी PGA वैल्यू लेट से स्टार्टिंग वैल्यू है 0.1G, तो ग्राउंड मोशन प्रिडिक्शन इक्वेशन में जाएं और 0.1G और 30 किलोमीटर जो आपको डिस्टेंस गिवन था, इन दोनों को इस्तेमाल करके वो मैग्नीट्यूड मालूम कर लें जो जो बेसिकली वो मैग्नीट्यूड होगा कि अगर वो आपकी साइट आपकी सोर्स पर आए तो आपकी साइट पर वो PGA प्रोड्यूस करेगा 0.1G जो आपने अज्यूम किया, ठीक है। सो 0.1G और 30 किलोमीटर को इस्तेमाल करके मैंने एक मैग्नीट्यूड की लाइन सेलेक्ट कर ली। ये सॉलिड ब्लैक लाइन 6.5 की थी,
तो 6.6 की लाइन इंटरपोलेट करके आप बता सकते हैं कि इससे थोड़ा सा ऊपर इसी ट्रेंड से गुजर रही होगी और हमारा पॉइंट भी थोड़ा सा ऊपर है, तो लेट से ये कॉरेस्पॉन्ड करता है मैग्नीट्यूड 6.6। ठीक है, सो पहला स्टेप तो ये है कि एक स्टार्टिंग पीजीए पिक करें, उससे और डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए जीएमपीई से एक मैग्नीट्यूड पिक कर लें। अब इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड 6.6 अगर आपकी साइज़मिक सोर्स ए पर आएगा तो आपकी साइट पर पीजीए 0.1 प्रोड्यूस होगी। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ एम 6.6 विल प्रोड्यूस 0.1 जी एट योर साइट अकॉर्डिंग टू दी गिवन जीएमपीई। ये हो गया पहला स्टेप। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड एटेन्यूएशन रिलेशनशिप अर्थक्वेक्स विद मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6.6 विल प्रोड्यूस अ पीजीए इक्वल और ग्रेटर देन 0.1 जी। ठीक है, सो ये हमें एक इंफॉर्मेशन पहले पॉइंट से पता चल गई। अब हम ये कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड रिकरेंस रिलेशनशिप में जाएं और उस मैग्नीट्यूड 6.6 जो हमारा पहला पॉइंट था एम 6.6 इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो कम्युलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी है वो पिक कर लें। ठीक है, लेट से वो नंबर आ गया 0.007 और कम्युलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होगा वो होगा इवेंट पर ईयर। इवेंट पर ईयर, बिकॉज अगर आप याद करें तो ये हमने कर्व कैसे बनाई है, हमने ये ओरिजिनली किसी भी साइज़मिक सोर्स के लिए इस तरह बनाते हैं कि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स ग्रेटर देन दैट पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और फिर उनको टोटल ड्यूरेशन जितने ड्यूरेशन का डेटा है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो एन ऑफ एम के यूनिट्स हो गए इवेंट्स, टोटल इवेंट्स, और एनुअल अगर आप निकालेंगे एन ऑफ एम तो एनुअल एन ऑफ एम में ये इवेंट्स पर ईयर बन जाएगा इसके यूनिट्स। ठीक है, बाद में इसको कम्युलेटिव भी कर लें तो भी यूनिट इवेंट पर ईयर ही रहेगा। तो कम्युलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं इवेंट्स पर ईयर। इसका मतलब है कि ये जो भी नंबर आया इतने इवेंट एक साल में आ सकते हैं हैविंग मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6.6। ग्रेटर देन 6.6 इसलिए मैंने कहा कि ये कम्युलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी है। अगर ये सिंपल एनुअल रेट या एनुअल फ्रीक्वेंसी होता तो हम कहते जो भी नंबर इससे पिक होता हम कहते कि मैग्नीट्यूड 6.6 आने का पर ईयर रेट ये है, लेकिन चूंकि ये कम्युलेटिव है तो हम कहेंगे ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड 6.6 आने का रेट ये है। ठीक है, सो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमने स्टार्ट किया 0.1 जी पीजीए से, हमें पता लगा मैग्नीट्यूड 6.6 वो मैग्नीट्यूड है जो ये पीजीए प्रोड्यूस करेगा, हमने उससे 0.007 इवेंट पर ईयर कैलकुलेट कर लिया मैग्नीट्यूड रिकरेंस रिलेशनशिप से, हमें ये पता चला कि ये रेट है कम्युलेटिव एनुअल रेट या फ्रीक्वेंसी है एक ऐसे अर्थक्वेक के आने की जो मेरी साइट पर 0.1 जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो अब मैं ये कह सकता हूं समरी ये हुई कि दी एनुअल अकरेंस रेट ऑफ हैविंग अ पीजीए एट माई साइट एक्सीडिंग 0.1 जी बिकॉज ग्रेटर देन 6.6 का ना यहाँ पे इवेंट पर ईयर को, तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि 0.1 जी से ज्यादा पीजीए आने का जो एनुअल रेट है वो 0.007 इवेंट पर ईयर है। ठीक है, सर यस प्लीज। सर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता? ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू कह सकते हैं, बिल्कुल कम्युलेटिव में आपने वो भी शामिल किया और उससे पिछले भी शामिल किए यानी उससे ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले भी, तो ठीक कह रहे हैं आप, यानी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए आइडियली। सो अगेन आई रिपीट कि एनुअल अकरेंस रेट ऑफ हैविंग अ पीजीए एट द साइट एक्सीडिंग 0.1 जी इज 0.007 इवेंट पर ईयर। तो अब हम इस एनुअल अकरेंस रेट या कम्युलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी की जगह वर्ड यूज कर सकते हैं एनुअल एक्सीडेंस रेट। ठीक है, या एनुअल रेट ऑफ एक्सीडेंस या एनुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंस। ठीक है, सो हमने एक तरह का पीजीए को डायरेक्टली अर्थक्वेक की एनुअल एक्सीडेंस रेट से रिलेट कर दिया। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स द रिटर्न पीरियड ऑफ द पीजीए ग्रेटर देन 0.1 जी इज
143 ईयर्स, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एनुअल एक्सीडेंस रेट. अब जरा एनुअल एक्सीडेंस रेट को अंडरस्टैंड करें कि 0.007 ये जो आ गया है इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि एक साल में, वन ईयर में, ठीक है, 0.007 इवेंट्स आने का रेट है. ठीक है, अगले एक साल अगर लिया जाए, अगला एक साल, तो उसमें जो मैग्नीट्यूड 6.6 से ग्रेटर या पीजीए 0.1 से ग्रेटर के जो इवेंट्स हैं उनकी तादाद है 0.007 इवेंट्स. अगर मैं इस तादाद को 1 बनाना चाहूं, ठीक है, मैं यहां राइट पे चलें, ऊपर क्लियरली लिख लेता हूं, 0.007 इवेंट्स कॉरेस्पॉन्ड टू 1 ईयर. ठीक है, कि एक साल में इतने अर्थक्वेक आ सकते हैं having magnitude greater than 6.6 or having PGA greater than 0.1, एक ही बात है. तो इतने इवेंट्स एक साल में, अगर मैं इवेंट्स की तादाद को 1 बनाना चाहूं, मैं कहूं 1 इवेंट कितने सालों में आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, 1 over 0.007. ठीक है, सिंपल जो यूनिटरी मेथड है आपको पता है कि इतने इवेंट्स अगर एक साल में आ रहे हैं तो एक इवेंट 1 over जितने भी इवेंट्स थे वो नीचे इधर चला जाएगा, तो इतने इयर्स में आएंगे. तो इसका मतलब है कि एक इवेंट कम से कम अगर देखा जाए कि कितने इयर्स में आएगा, तो वो 1 over 007 इयर्स बनते हैं. और यही रिटर्न पीरियड की डेफिनेशन है कि वो टाइम ड्यूरेशन कि जिसमें एक खास अर्थ को एक दफा 1 इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी हो, उसमें एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन किसी भी अर्थक्वेक की जिसमें वो एक दफा आने की प्रोबेबिलिटी उसकी है, एक दफा वो जरूर अकर होगा, तो वो नंबर ऑफ इयर्स कहलाते हैं रिटर्न पीरियड ऑफ दैट अर्थक्वेक. तो 1 over 0.007 इयर्स बन जाएगा 143 इयर्स इस केस में, और वो इस स्पेसिफिक अर्थक्वेक का जिसका पीजीए ग्रेटर देन 0.1 हो या जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6.6 हो, इन इस एक स्पेसिफिक अर्थक्वेक का रिटर्न पीरियड बन जाएगा 143 इयर्स. इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड देखा जाता इस साइज़मिक सोर्स का, जितने भी अर्थक्वेक इस पे आए हैं, तो ऑन एवरेज मैग्नीट्यूड 6.6 से बड़ा अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6.6 से बड़ा अर्थक्वेक ऑन एवरेज 143 इयर्स में एक दफा जरूर आया है. ठीक है, इसको आप यूं भी देख सकते हैं, बिकॉज हमने पास्ट डेटा ही की बेस पे तो ये मैग्नीट्यूड रिकरेंस रिलेशनशिप बनाया है. तो लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि कोई भी फ्यूचर में 143 इयर्स में एक दफा ये अर्थक्वेक जरूर आएगा. बट इसका ये भी मतलब है एट द सेम टाइम कि क्योंकि हमने यही फोरकास्ट पास्ट डेटा से ली है, तो पास्ट डेटा में भी यूं ही यही हुआ होगा कि अगर हमारे पास 1000 इयर्स का डेटा है और हम उसमें से कोई भी 143 इयर्स का एक स्पैन पिक करते हैं, तो ऑन एवरेज इसमें एक दफा एक ऐसा अर्थक्वेक जरूर आया हुआ है पास डेटा में जिसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6.6 था और कॉरिस्पॉन्डिंगली जिसका पीजीए ग्रेटर देन 0.1g था. सो यही चीज हम फ्यूचर के लिए अब कह रहे हैं जब रिटर्न पीरियड का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं. ठीक है, कि 1 over जो एनुअल फ्री एक्सीडेंस रेट होता है या 1 over cumulative annual frequency होती है, जो भी आप इसको नाम दे लें, ये होता है रिटर्न पीरियड. सो रिटर्न पीरियड को मैं लिख रहा हूँ 1 over एनुअल एक्सीडेंस रेट. ठीक है, ये एनुअल एक्सीडेंस रेट आ गया इधर, या एक ही बात है 1 over cumulative annual frequency. तो 1 over 0.007 इज इक्वल टू द रिटर्न पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर अर्थक्वेक जिसकी बात हो रही है, जिसका एक्सीडेंस रेट 0.007 है. ठीक है, तो विच मीन्स के एक और नई हम मैग्नीट्यूड रिकरेंस रिलेशनशिप का या हैजर्ड कर्व का एक नया फॉर्म बना सकते हैं जिसमें वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी की बजाय रिटर्न पीरियड हो. ठीक है, हमें पता चल गया कि कम्युलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है रिटर्न पीरियड. सो रिटर्न पीरियड की तो ये डेफिनेशन हो गई.
लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की ये है कि इस रिटर्न पीरियड 143 इयर्स का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में लाजमन ऐसा होता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए कि किसी भी एक 143 इयर्स को अगर आप नोट करना शुरू करें तो उसमें लाजमी मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6.61 लाजमी आएगा। यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक 143 इयर्स के लिए आपको, यानी हर पॉसिबल 143 इयर्स के स्पैन के लिए आपको एक इवेंट ऐसा जरूर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका यह मतलब है कि ऑन एवरेज, यानी ये जो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 6.6 और पीजीए ग्रेटर देन 0.1 जी के अर्थक्वेक्स हैं, ये पिछले हजारों सालों में इस तरीके से फैले हुए हैं टाइम डोमेन में कि अगर आप ऑन एवरेज 143 का एक स्पैन उठाते हैं तो आपको एक मिल जाएगा। लेकिन ये मतलब इसका नहीं है कि कोई एक ऐसा 143 स्पैन भी आपको नहीं मिल पाएगा जिसमें ये अर्थक्वेक नहीं आया हुआ। ये मुमकिन है कि आपको एक ऐसा स्पैन मिल जाए हिस्ट्री में या फ्यूचर में 143 इयर्स का जिसमें ये अर्थक्वेक बिल्कुल ना आए, लेकिन फिर मुमकिन होगा कि किसी नेक्स्ट 143 में ये दो दफा आ चुका हो। ठीक है, सो ये आपने जहन में रखना है कि हिस्टोरिकल डेटा बड़े स्पैन पर मुश्तमिल होता है। सो लिहाजा हम जो उसका रेट कैलकुलेट करते हैं एनुअल रेट, वो यानी उसको बिल्कुल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एज्यूम करके किया जाता है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि कोई एक 143 इयर्स का रिटर्न पीरियड का अर्थक्वेक था, 142.999 इयर्स गुजर गए हैं और एक दिन रह गया लेट से, तो आप कहेंगे लाजमी उसे एक दिन ये अर्थक्वेक आना ही आना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुमकिन है कि ना आए और फिर किसी और 143 इयर्स के स्पैन में ये दो दफा आ जाए। सो ये सिर्फ एक एनुअलाइज नंबर है, एक एवरेज नंबर है फॉर अ बिग डेटा जो हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स का डेटा है। सो कमिंग बैक टू अवर ओरिजिनल जो हम डिस्कशन कर रहे थे, जो हमने 1.1 G लिया, फिर उससे हमने मैग्नीट्यूड 6.6 लिया और उससे फिर हमने इवेंट्स कैलकुलेट किए। अब अगला स्टेप ये देखिए कि हमें पता है एनुअल एक्सीडेंस रेट इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से मुराद के जितने इयर्स का डेटा है हमारे पास, ये चीज है एनुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंस। ठीक है, अभी हमने ये देखा कि रिटर्न पीरियड इक्वल होता है जो भी टोटल ड्यूरेशन थी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। दूसरे मानों में रेसिप्रोकल ले लें अगर एनुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंस का, वही चीज बन जाती है। टाइम पीरियड ऊपर आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स नीचे चले जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो 143 इयर्स बना इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल का जो अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि अगर हम 143 इयर्स का कोई स्पैन उठाएं, ठीक है, और उस उसके अंदर हम अगर हम गिने कि कितने इवेंट्स आए हैं, ठीक है, तो वो ऑन एवरेज एक इवेंट आया होगा उसमें, इस 143 इयर्स में ऑन एवरेज। सो ये ऑल दो के देखें कुछ, अब ये टाइम एक्सिस जा रहा है ऐसे। ठीक है, लेट से कि एक एरो शो कर रहा है एक ऐसा अर्थक्वेक इवेंट जो ग्रेटर देन 1 GPGA रख रहा है या M ग्रेटर देन 6.6 रख रहा है। तो अब देखिए कुछ जगहों पे ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ जगहों पे ये दूर दूर है। ठीक है, सो बिल्कुल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ जगहों पे बहुत थोड़े से टाइम में 3 आ गए लेकिन किसी में बहुत ज्यादा ड्यूरेशन में कोई भी नहीं आया। लेकिन जब हमने एक बड़े टाइम स्पैन पे एवरेज रिटर्न पीरियड निकाला तो वो 143 इयर्स आया। ठीक है, अब लेट से कि अगले 10 साल की बात कर रहे हैं हम, हमारी बिल्डिंग ने लेट से अगले 10 साल लेट से के लिए डिजाइन होना है। ठीक है, अब फ्यूचर पे आ जाएं जरा, तो अब हमने हमें तो 143 इयर्स इंफॉर्मेशन का एज सच कोई फायदा नहीं जब तक हम इसको रिलेट ना करें अपनी बिल्डिंग के लाइफ स्पैन के साथ। ठीक है, तो अब लेट से गिवन अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स जो हमारी स्ट्रक्चर का लेट से लाइफ है, द चांस ऑफ हैविंग सच इवेंट इन दिस पीरियड, अब देखें 0.007 इवेंट्स जो हैं वो एक साल में है ना, 10 साल में अगर देखना चाहें तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.07 इवेंट्स पर 10 ईयर हो गया। तो अब इस 0.07 के यूनिट क्या बने, इवेंट्स पर 10 ईयर्स। और मैं कह सकता हूं ना 0.07 को मैं कह सकता हूं 7% प्रोबेबिलिटी। ठीक
ठीक है, 7% प्रोबेबिलिटी। तो लिहाजा मैं कह सकता हूं इसी सारी बात को समराइज करते हुए कि देर इज अ 7% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस, क्योंकि देखें ये 0.07 इवेंट्स पर ईयर जो है ये किसके हैं, हैविंग अ पीजीए ग्रेटर देन 0.1 जी, ठीक है, ग्रेटर देन 0.1 जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू जैसे आपने कहा। तो लिहाजा मैं इसको कह सकता हूं कि देर इज अ 7% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन नेक्स्ट 10 ईयर्स के पीजीए 0.1 जी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस। तो पीजीए 0.1 जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस बनी वो बनी 7% इन 10 ईयर्स। यही अगर मैं 50 ईयर्स कर देता तो ये नंबर चेंज हो जाता, कुछ और परसेंट हो जाता, ठीक है, फिर 50 से मल्टीप्लाई करते। सो लिहाजा जो हम एक डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक की डेफिनेशन यूज कर रहे थे वो थी, अगर आपको याद हो, 475 ईयर्स रिटर्न पीरियड, और मैं उसको प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में डिफाइन कर रहा था, 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको बताया था कि ये वो लेवल है हैजर्ड का, एक ही बात है क्योंकि दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, ये कहलाता है डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक, डीबीई। पूरी दुनिया में स्ट्रक्चर्स इस अर्थक्वेक हैजर्ड लेवल पर डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। सो अब आपको पता चला कि कैसे आप रिटर्न पीरियड को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन सर्टन ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि हमने अब क्या किया था कि एक पीजीए से स्टार्ट किया, उस पीजीए का रिटर्न पीरियड भी निकाल लिया और उसी पीजीए का प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस भी निकाल ली इन उन इन सर्टन ईयर्स जो हम चाहते थे, इस केस में 10 ईयर्स के लिए निकाल ली। तो ये दोनों चीजें आपस में कन्वर्टेबल हैं, ठीक है। अब जो भी इनके मुताबिक एक पीजीए का नंबर बनेगा वो पीजीए का, वो डिजाइन पीजीए होगा किसी भी साइट पे, ठीक है। सो ये जो दो बातें मैंने ऊपर लिखी हैं जो कन्वर्टेबल जिनको कह रहा हूं, ये एक ही बात है बेसिकली, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, चेंजेबल हैं। जैसे अभी हमने 143 ईयर्स को कन्वर्ट कर लिया 7% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 10 ईयर्स में, ठीक है, और इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीजीए है वो है 0.1 जी। सो 143 ईयर्स हो गया या 7% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 10 ईयर्स हो गया, इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीजीए है वो एक ही नंबर है, 0.1 जी, ठीक है। और अगर ये 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स हो जाता तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिटर्न पीरियड बनता वो 475 बनता, ठीक है। और उन और किसी भी साइट पे इस डेफिनेशन के मुताबिक जो पीजीए होगा वो जाहिर है उसकी हैजर्ड कर्व पर मुनासिर होगा, वो पीजीए उस साइट के ऊपर डिजाइन में इस्तेमाल होना चाहिए। सो हमने यूं समझ लें कि जो फाइनल बनानी है, हैजर्ड कर्व बनानी है अपनी साइट पे ड्यू टू दी साइजमिक सोर्स ए, उसमें लेट से हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 10 ईयर्स मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है, 50 ईयर्स भी रख सकते थे, कम्युलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली भी रख सकते थे, ये जो हमने 0.007 निकाला है ये डायरेक्टली भी वाई एक्सिस पे रख सकते थे हैजर्ड कर्व के लिए। तो हैजर्ड कर्व में बेसिकली वही वाई एक्सिस होता है जो मैग्नीट्यूड रिकरेंस रिलेशनशिप में होता है, लेकिन आप उसकी डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूं कम्युलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 10 ईयर्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन एनी ईयर्स, ठीक है, जो भी हम अपनी मर्जी से रखना चाहें वाई एक्सिस पे, ये सब चीजें कन्वर्टेबल है। इवन रिटर्न पीरियड को भी वाई एक्सिस पे रखा जा सकता है, ये भी कन्वर्टेबल है एक दूसरे में, और एक्स एक्सिस पे तो लाजमी पीजीए होगा इस केस में, ठीक है। सो ये जो मैं एक कर्व बनाना चाह रहा हूँ, हैजर्ड कर्व बनाना चाह रहा हूँ, इसका अभी तक की सारी एक्सरसाइज से पहला पॉइंट मिला है हमें, पहला पॉइंट मिला है जो पीजीए 0.1 जी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 10 ईयर्स को रखता हूँ तो 0.07 मेरा आंसर है वाई एक्सिस पे, तो 0.07 यानी 7% और 0.1 जी के सीध में एक पॉइंट आ गया। अब मैं ये कर सकता हूं 0.2 सेलेक्ट करूं, 0.3 सेलेक्ट करूं, 0.05 सेलेक्ट करूं और ये प्रोसेस रिपीट करूं, यानी जीएमपी में जाऊं,
वहां से वो मैग्नीट्यूड लूं, मैग्नीट्यूड को लेके मैग्नीट्यूड रिकरेंस में आ जाऊं, और वहां से उस मैग्नीट्यूड के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे कम्यूलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी पिक कर लूं। तो ये काम अगर आप रिपीट करें पूरी रेंज ऑफ पीजीए के लिए, लेट से 0.5 G तक जाते हैं आप, तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे ऐसे। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप हाई पीजीए सेलेक्ट कर रहे हैं, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस लो होती जा रही है इन सर्टन ईयर्स, और कॉरेस्पॉन्डिंग रिटर्न पीरियड हाई होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हाई पीजीए वाले अर्थ को एक रेयर अर्थ को एक साइन, रेयर का मतलब है हाई रिटर्न पीरियड, और जो शुरू के कम पीजीए वाले अर्थक्वेक्स होंगे वो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स होंगे, यानी वो उनका रिटर्न पीरियड बहुत थोड़ा होगा। ठीक है, सो लिहाजा अल्टीमेटली कर्व आपकी ऐसे एक बन जाएगी डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ। अब आप चाहें तो वाई एक्सिस पे कोई भी डेफिनेशन हैजर्ड की पिक कर लें, ठीक है, और उसके मुताबिक पीजीए पिक कर लें, जो भी आपने उससे डिजाइन करना है, स्ट्रक्चरल इवेल्युएशन करनी है, रेट्रोफिट करनी है, जो कुछ भी करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, रेट्रोफिट अगर करनी होगी और बिल्डिंग की ओरिजिनल की डिजाइन लाइफ लेट से 50 साल थी, और अब रिक्वायरमेंट ये है कि इसको रेट्रोफिट करके 75 साल कर दिया जाए, ठीक है, तो जाहिर है अब आप वो ओरिजिनल वाला अर्थ को एक तो नहीं लेंगे जो डिजाइन बेसिस अर्थ को एक था, अब आप उसे हाई लेवल लेंगे ताकि आपने डिजाइन लाइफ में इंक्रीज करना है। सो लिहाजा वाई एक्सिस पे यूं समझ लें कि डिफरेंट हैजर्ड लेवल आपके पड़े हुए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको ये कर्व हर हैजर्ड लेवल के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर डेफिनेशन ऑफ हैजर्ड के मुताबिक आपको पीजीए दे रही है, और फिर आप वो पीजीए पिक कर लेंगे जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। डिजाइन के लिए, नई बिल्डिंग के डिजाइन के लिए डेफिनेशन ये है जो मैंने आपको बताई है, 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स, ठीक है, या 475 ईयर्स रिटर्न पीरियड। सो समरी ये हुई कि हम फाइनली रिपीट करेंगे ये प्रोसेस डिफरेंट पीजीए लेवल्स के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी लो अप टू वेरी हाई, और फिर फाइनली पीजीए और जो भी एनुअल एक्सीडेंस रेट है लेट से उसके दरमियान ये कर्व बना लें। तो आप देखें ये जो फाइनल कर्व है ये हैजर्ड कर्व है, इसमें वाई एक्सिस पे एनुअल एक्सीडेंस रेट है या फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंस है जो मैग्नीट्यूड रिकरेंस के भी वाई एक्सिस पे थी, और एक्स एक्सिस पे पीजीए है अब। ठीक है, सो दूसरे मानों में इस कर्व पर अगर 0.1 की सीध में हम लें तो वो 0.007 नंबर होना चाहिए अगर 0.1 की सीध में देखें तो। ठीक है, अगर अब हैजर्ड कर्व को रीड कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि पीजीए वैल्यू इस एक्सीडेंस रेट पे मैंने ले लिया, वो लेट से 0.22 G आ गया, 0.002 एक्सीडेंस रेट को जरा देखें, कन्वर्ट बैक करते हैं तो क्या बनता है, एनुअल एक्सीडेंस रेट अगर 0.002 हो, ये जैसे हमारा लास्ट एग्जाम्पल में 0.007 आया था ना, तो हमने उसको कन्वर्ट किया तो वो बना 143 ईयर रिटर्न पीरियड और 7% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 10 ईयर्स। अब जरा 0.002 को कन्वर्ट बैक करते हैं, सो इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंस रेट इन 1 ईयर इज 0.002, और लेट से कि अब हमारा जो टोटल स्पैन है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं बिल्डिंग की डिजाइन लाइफ वो 50 ईयर्स है, तो उस सूरत में हम इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस में, तो फिर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर 1 ईयर में इतना है तो 50 ईयर में कितना होगा, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ गया 0.1। 0.1 का मतलब 10%। तो समरी हुई कि द चांस ऑफ एक्सीडिंग अ पीजीए ऑफ 0.22 G जो कि इस नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग पीजीए था, उससे एक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी अगले 50 साल में, बिकॉज 50 साल हमने लिया है, वो 10% है। ठीक है, 10%, तो ये क्या बन गया, ये तो वही बन गया 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स, इन 50 ईयर्स। तो ये डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक की ही डेफिनेशन बन गई, डीबीई की। इसका मतलब है कि डीबीई के लिए जो कम्युलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी होती है या एनुअल एक्सीडेंस रेट होता है या कम्युलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी जो भी आप कह रहे हैं, ये 0.002 होता है। ठीक है, तो 0. लास्ट एग्जांपल में 0.007 आया था, उसको हमने कन्वर्ट किया तो वो बन गया 7% इन 10 ईयर्स,
ठीक है, अगर मैं इस 10 को 50 कर दूं, ठीक है, और नंबर को 0.002 कर दूं, तो ये 10% बन जाएगा, अभी हमने देख लिया, ठीक है। सो इसका मतलब है कि डीबीई को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो अर्थक्वेक है जिसकी कम्युलेटिव एनुअल फ्रीक्वेंसी 0.002 होती है, 0.002 इवेंट्स पर ईयर होती है, इवेंट्स पर ईयर, ठीक है। सो समरी ये हुई कि पीजीए लेवल विद 10% चांस ऑफ बीइंग एक्सीडेड इन 50 इयर्स इज 0.22 जी, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पीजीए है वो 0.22 जी है। तो यूं आप हैजर्ड कर्व को पढ़ते हैं कि आप वाई एक्सिस पे कोई डेफिनेशन लेते हैं हैजर्ड की, उससे पीजीए ले लेते हैं, ठीक है। और इस एग्जाम्पल में ऑपोजिट किया गया, इस एग्जाम्पल में, बल्कि इसमें भी यही किया गया कि वाई एक्सिस पे एक नंबर लिया गया और उससे पीजीए पिक कर लिया, और वो नंबर हमने ऐसा लिया है कि जो डीबीई लेवल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, जो डीबीई की डेफिनेशन है बेसिकली। हैजर्ड कर्व की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। अभी जो हमने देखा है वो है एनुअल रेट ऑफ एक्सीडेंस, जो लास्ट स्लाइड में था। तो हमने देखा कि 0.002 जो बनता है वो डिजाइन बेसिस अर्थक्वेक की एग्जाम्पल बनती है। तो ये डीबीई लेवल है जो आपका ग्रीन ये जो सिंबल बना हुआ है, और फिर इधर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका डिजाइन पीजीए बन गया, डिजाइन पीजीए। अगर आप यही कर्व बनाते रेट ऑफ एक्सीडेंस इन 50 इयर्स की शक्ल में, ठीक है, तो आप इसको 0.1 कहते थे, और अगर प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो यही 0.1 असल में 10% बन जाएगा ना, 0.1 का मतलब 10%। सो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस इन 50 ईयर्स अगर वाई एक्सिस पे रखते हैं तो 10% के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर होगा वो वही डिजाइन पीजी होगा। तो ये सारी एक ही कर्व की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ठीक है। बस वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो एक क्वांटिटी दूसरे में कन्वर्ट कर दी गई है, एक्स एक्सिस पे पीजी यही है। अब एंड पे ये देखें कि अगर लेट से मल्टीपल सोर्सेज होते, ठीक है, एक से ज्यादा सोर्सेज होती हैं आपकी साइट के इर्द गिर्द, तो पीएसएचए उनको कैसे हैंडल करता। लेट से साइजमिक सोर्स ए है और वो इस डिस्टेंस पर वाकई है, इसी तरह बी है वो इस डिस्टेंस पर है, सी जो है वो इस डिस्टेंस पे है, और तीनों आपकी साइट के ऊपर आने वाले हैजर्ड में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। उस सूरत में आप इनके जो एनुअल एक्सीडेंस रेट थे वो कंबाइन करते, वो जमा करते थे, आपके पास हैजर्ड कर्व इस शक्ल में आती कि लेट से मैं कहता हूँ एनुअल एक्सीडेंस रेट वो मैं वाई एक्सिस पे रखता हूँ और पीजीए एक्स एक्सिस पे रखता हूँ। तो मैं कह सकता था कि सोर्स ए से ये लाइन आ रही है, बी से ये लाइन आ रही है, सी से ये आ रही है, लेकिन इनको जमा करके जो कंबाइंड लाइन है वो ऊपर सबसे ऊपर है, तो ये कंबाइंड लाइन है, ठीक है। सो ये हमारी कंबाइंड हैजर्ड कर्व है जो डिजाइन में इस्तेमाल होनी चाहिए या किसी भी एप्लीकेशन में पीजीए पिक करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, वो ये फाइनल लाइन इस्तेमाल होनी चाहिए। लेकिन इंडिविजुअल सोर्सेज की अपनी अपनी लाइंस भी होंगी जो इससे जाहिर है थोड़ी होंगी, उनसे जमा होके कंबाइन होके ये कंबाइंड लाइन बन रही होगी। सो यूं आप बेसिकली सर एक्सक्यूज सारे साइजमिक सोर्सेज के इफेक्ट को अकाउंट करेंगे। जी, ये जो क्वेश्चन है इसका ताल्लुक पीएसएचए की लेटेस्ट अप्रोचेस से है। एक लेटेस्ट अप्रोच ये है कि आप एरिया सोर्स है ना लेट से आपका ये, और इस एरिया सोर्स में आप इसको पूरे को एक सोर्स डिक्लेयर ना करें, बल्कि आप इसमें जितने भी पास्ट अर्थक्वेक्स आए हैं उन सारे अर्थक्वेक्स को एक एक अलग पॉइंट सोर्स की तरह मॉडल करें, ठीक है। यानी अब ये जो एक नुक्ता होगा ना स्पेसिफिक पॉइंट, ये एक एक पास्ट अर्थ को एक अलर्ट से, लेकिन ये पास्ट अर्थ को एक जो है इधर इसको पॉइंट सोर्स की तरह मॉडल करें। तो एरिया सोर्स तो क्या करती है कि पूरे एरिया को एक सोर्स ले लेती है, लेकिन पॉइंट सोर्स की अप्रोच ये है कि आप एक ही नुक्ते पे, लेट से एक ही नुक्ते पे बार बार अर्थ को एक आ रहा है, तो आप उसको एक पॉइंट सोर्स कंसिडर कर लें, तो वो पूरा एक पॉइंट जो होगा वो एक सोर्स की तरह मॉडल होगा एनालिसिस में। यानी अगर मेरी ये साइट है तो इस पॉइंट का भी इफेक्ट ये एक सोर्स की तरह ट्रीट होगा और ये उसका सोर्स टू साइट डिस्टेंस हो जाएगा।
इसी तरह ये एक पॉइंट है, ये भी सोर्स टू साइट डिस्टेंस हो जाएगा। हर पॉइंट अलग से मेरी साइट के ऊपर कंट्रीब्यूट करेगा हैजर्ड को, विच मीन्स कि वही काम जो हम हर एरिया के लिए अभी कर रहे हैं और हर फॉल्ट के लिए कर रहे हैं, उस सूरत में वो काम हर पॉइंट के लिए करना होगा। लेकिन जाहिर है ये मैन्युअली मुमकिन नहीं है, इसके लिए फिर सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो आपके पूरे स्टडी एरिया में जितने पॉइंट सोर्सेज हैं उनको रिपीटेडली उनका हैजर्ड कैलकुलेट करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एरिया में एक ही सोर्स हो, ये डिपेंड करता है उस अर्थक्वेक्स को, यानी देखें अब इसको आप यूं समझें कि मेरे स्टडी रीजन में जितने पास्ट अर्थक्वेक आए हैं, मैंने उनको किसी को भी खाली नहीं छोड़ना, मैंने उनको किसी ना किसी सोर्स के साथ एट्रीब्यूट करना है। ठीक है, मैं एक मुझे पता है यहाँ पे एक फॉल्ट है, तो मैं इसके बफर जोन में आने वाले सारे अर्थक्वेक्स को इस फॉल्ट को असाइन कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि इस फॉल्ट के बफर जोन में कोई ऐसे अर्थक्वेक हैं जो क्लियरली पता है कि इस फॉल्ट से प्रोड्यूस नहीं हुए, तो मैं फिर इसके एरिया को भी एरिया सोर्स में इंक्लूड करूंगा, बिकॉज फिर भी ऐसे अर्थक्वेक मुझे पता है रह जाएंगे जो फॉल्ट को असाइन नहीं किए गए। ठीक है, सो इसका मतलब है कि सोर्सेज ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, बिकॉज आपने करना ये अल्टीमेटली कि कोई भी पास डेटा का जो पॉइंट है अर्थक्वेक है उसको बगैर किसी सोर्स को असाइन किए बगैर नहीं छोड़ना। ठीक है, तो लिहाजा फॉर एग्जांपल एक एरिया सोर्स है, अभी आप ये कह रहे हैं कि उसमें एक पॉइंट पे बार बार अर्थक्वेक कॉन्सेंट्रेटेड है, वो बार बार वहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके कई तरीके हो सकते हैं इसको हैंडल करने के। एक तो पहली बात ये है कि हम उसका एक छोटा सा अलग से एरिया सोर्स बना सकते हैं, अगर ये नहीं तो फिर लाजमन ये मालूम कर सकते हैं कि वो पॉइंट किसी फॉल्ट पर वाक्य है, तभी वो बार बार अर्थक्वेक प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस फॉल्ट को एक्सप्लिसिटली मॉडल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कई तरीके हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल उतने से एरिया को पॉइंट सोर्स बना दें और वो अर्थक्वेक जो उसी पॉइंट पे बार बार आ रहे हैं वो इस पॉइंट सोर्स को असाइन कर दें, और बाकी सारे जो हैं वो एरिया सोर्स में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो एरिया सोर्स की बेसिक असम्पशन है कि उसमें स्पेशली और टेम्पोरली रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अर्थक्वेक। तो विच मीन्स के आप सोर्सेस को स्पेशली ना सोचें कि वो एक जगह होगी खास जिसको एक सोर्स जब करार दे दिया तो बस वो मामला खत्म हो गया, एक ही जगह पर कई सोर्सेस ओवरलैपिंग एज्यूम किए जा सकते हैं जस्ट टू अकाउंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स जो उसी एक जगह पे आए हुए हैं। देखें शैलो अर्थक्वेक्स के लिए उसी एरिया में, लेट्स से ये मेरा एक एरिया सोर्स है, तो अब इसमें जो अर्थक्वेक आए हैं वो लेट्स से उनकी रेंज है डेप्थ की 5 किलोमीटर अप टू 250 किलोमीटर। ठीक है, सो मैं ऐसा नहीं है कि इन सारे अर्थक्वेक्स को एक ही एरिया सोर्स बना दूंगा इस एक जगह में, हो सकता है कि मैं डेप्थ की बेसिस पे एरिया सोर्सेज में डिवाइड करूं, तो मैं कहूं कि 5 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक के जो अर्थक्वेक्स हैं वो इस एरिया सोर्स में कंसिडर हो जाएं। अब इसी जगह पर एक और एरिया सोर्स बनाएं इसी के ऊपर, लेकिन वो सिर्फ अर्थक्वेक्स जिनको कंसिडर करे वो 50 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर करें, और फिर इसी जगह पर एक और बनाएं जो 100 से 250 करें। तो विच मीन्स कि मैंने एक ही मैप के ऊपर एक ही एरिया लिया है जिसको मैंने तीन ओवरलैपिंग सोर्सेज में डिवाइड कर दिया, लेकिन हर सोर्स की एक डेप्थ की रेंज है, तो एक अर्थ को एक अगर एक सोर्स में काउंट हो गया है उसकी एक्टिविटी कैलकुलेट करने में, तो वो दूसरे में फिर काउंट नहीं होगा। तो 5 to 50 किलोमीटर की ये जो एक स्लाइस है डेप्थ का, इसके अंदर जो अर्थ को एक आए हैं वो एरिया सोर्स ए में कंसिडर हो, फिर 50 to 100 बी में हो, और फिर ग्रेटर देन 100 सी में हो जाए। ए बी और सी तीनों एक ही जगह पर वाकया हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीएसएचए ऑफ पाकिस्तान में बताया था कि हमने शैलो एरिया सोर्सेज लिए और डीप एरिया सोर्सेज लिए, लेकिन शैलो और डीप आपस में ओवरलैपिंग भी हैं। अभी एक लेटेस्ट फिलॉसफी है साइज़मिक हैज़र्ड असेसमेंट की, वो ये कहती है कि आप एक एरिया सोर्स बनाएं और उस एरिया सोर्स में आने वाले जो अर्थक्वेक्स हैं उनको ये नहीं कि सारों को गिन लें और वो सारे एक एरिया सोर्स में कंट्रीब्यूट
हो जाएं उसकी एक्टिविटी कैलकुलेट करने में। वो फिलॉसफी ये कहती है कि इस एरिया का हर पिक्सल, हर पॉइंट अलग से एज अ सोर्स जोन मॉडल किया जाए, एज अ सोर्स पॉइंट सोर्स मॉडल किया जाए। तो वो बात ये लिखी हुई है कि विद इन अ सोर्स जोन ईच अर्थ को एक कैन बी मॉडल्ड एज अ पॉइंट सोर्स। ठीक है, तो अगर एरिया सोर्स ले लेते कन्वेंशनल तरीका और मेरी ये साइट है, तो मैं क्या करता, इस एरिया के सेंटर से लेके मेरी साइट तक का जो डिस्टेंस है ये मेरा सोर्स टू साइट डिस्टेंस होता और ये पूरे पूरा एरिया एक सोर्स माना जाता। लेकिन अल्टरनेटिवली क्या हो सकता है, आजकल के जो लेटेस्ट कंप्यूटर सॉल्वर्स हैं वो ये मुमकिन है कि कर सकते हैं कि वो ये करते हैं कि इस एरिया में जितने अर्थ को एक आए हैं हर पिक्सल को एक पॉइंट की तरह कंसिडर किया जाए, हर पिक्सल से उसका अपना डिस्टेंस लिया जाए। ठीक है, और ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा जाहिर है। ठीक है कि अगर किसी जगह पर अर्थ को एक ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे, किसी जगह पे कम थे, तो वो उसका इफेक्ट इंक्लूड हो जाएगा पीएसएचए में। लेकिन अगर आप रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड एज्यूम करते क्लासिकल अप्रोच में तो ये इफेक्ट लेना मुमकिन नहीं था। सो ओके सर, आजकल अभी जो पाकिस्तान का पीएसएचए हमने किया है उसमें यही अप्रोच इस्तेमाल की है कि हमने पास्ट अर्थक्वेक्स की बेस पर एरिया सोर्सेज तो बनाए हैं बट पैरेलल में एक और अप्रोच भी यूज की है जिसमें हमने पूरे कंट्री को 1/1 डिग्री, 0.1 डिग्री बाय 0.1 डिग्री के ग्रिड में डिवाइड किया और हर ग्रिड का जो पॉइंट है एक छोटा पॉइंट उसको एक पॉइंट सोर्स की तरह मॉडल किया। तो यूं समझ लें कि पूरे एरिया सोर्सेज को के ऊपर हमने बहुत फाइन ग्रिड बिछा दी है और हर ग्रिड एक का जो नुक्ता है वो बेसिकली एक सोर्स के तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहा है हैजर्ड को। तो ये भी एक लेटेस्ट अप्रोच है पीएसएचए की जो क्लासिकल अप्रोच से डिफरेंट है। ये हमने अभी ये डिस्कस नहीं की क्लास में, ये वाली अप्रोच हमने सिर्फ जो बेसिक एरिया जोन्स बना देने वाली अप्रोच है वो डिस्कस की है।